सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से ब्लॉग में। अपने सामने एक ही बीस्ट है, इग्नोर दिस। सो इसमें आज अपन ने एक अनलॉक किया, ये सारे हरामी ने। इसमें भाई इसने आरपीएम अनलॉक कर दिया 12,000 आरपीएम लॉक किया, देखो बंदे ने। सो अपना यह गरीबों का मस्किया, कोई ना भाई अपन भी ये ले गए, बट पहले इसको भटकाना पड़ेगा तब जाके वो आएगा। इसके पास पहले क्या था पता है, पहले एक ब्लैक थी एक सिल्वर थी। गद्दारी कर पे, बट सही गद्दारी कर पे, अपन भी ये सेल करेंगे बहुत जल्द। अगर अपने वीडियोस पर सपोर्ट दिखाया तो अपन ये रख के और एक 390 देंगे। सो आई होप, देखो देखो चिढ़ा रही है, आपको क्या लग रहा है साफ कर रहा है? नहीं चिढ़ा रही है, आराम खोर साला। लेट्स गो, आज शॉर्ट राइड लेंगे। और किसी ने तो इधर डेंट मार दिया, ये चेक करो। ये डेंट वालों के लिए ना अलग ऐसे पनिशमेंट चाहिए ना, ऐसे उबले हुए तेल में ना ऐसा फ्राई करना चाहिए। बच्चे तेरी माँ की। कंट्रोल, आज का व्लॉग थोड़ा बक्सोदी टाइप बनेगा आई थिंक सो। आज व्हीलीज वगैरह बहुत बजने वाले, पहली बात तो। और दूसरी बात, व्हीलीज विदाउट क्लच बजने वाली है, चेक करो। कॉस कॉस विदाउट क्लच। और आज हम जा किधर रहे हैं, तो हम जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पर जिधर आपको मज़ा आएगा, जो सनसेट होगा वो भी देखने में मज़ा आएगा। सो लेट्स गो। और मेरे क्लॉस यार गरीबी डूड, गरीबी अपना चाहे मोनेटाइज नहीं है, सो थोड़ी सी गरीबी है। ये कॉस्को मारने का सोच रहा है। इसमें पूरी जान निकाल दूँ तो भी उतनी नहीं उठेगी भाई, ये जितनी वो फिफ्थ गियर में उठ रही है, मुश्किल है भाई। 390 है वो, एट द एंड स्टॉक 390 है, ये चेक करो आराम से भाई। सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई अपन ये सेल करके एक 390 ले ले, जिससे कि तुम्हारे भाई के पास भी पावर हो ऐसी। अगर मेरे हाथ में वो चल गई तो आपको बताइए, लास्ट ब्लॉग किसी ने नहीं देखा होगा तो जाके ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा कि ऐसे साइकिक बंदे के पास जब 390 आती है तब कैसा रिएक्शन मिलता है, और जो माहौल होता है वो कैसा गर्मा गर्म होता है। ब्लॉग भी बहुत बढ़िया बनते हैं। और ये बंदा इतने सालों बाद ब्लॉग शूट कर रहा है, पहला ब्लॉग 10 दिन पहले आता। और अभी देखो, देख रहे हो बिना क्लच का मज़ा आता है यार। ये 155 cc वो 390, देखो बहुत बड़ा गैप है, और मैं गैप कवर करना चाहता हूँ, बट मैटर इतना है कि भाई अपने को चाहिए चैनल मोनेटाइजेशन, जिससे कि मैं वो बाइक परचेस करूँ, वरना ऐसा हो जाएगा कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं और मेरी ऑडियंस भी चेंज हो जाए, तो ये लफड़ा नहीं चाहिए। पहले तो आप कमेंट करो कि भाई आपको 390 पे व्लॉग्स देखना पसंद है या नहीं है। आप इसी से अंदाज़ा लगाओ यार, 155 cc चेसिंग 390 कितना ज़्यादा गैप होता है। और मेरे इसमें तो टायर भी ठीक से नहीं है यार, तो अभी मैं रिस्क ले रहा हूँ, सटक गया ना खत्म है मैं। इस बार थोड़ी सी लॉन्ग गई, और भी लॉन्ग जाएगी। प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैंने TCS ऑफ कर दिया तो अब थोड़ा सा भोकाल होगा। स्पीडिंग करना अच्छी बात है, बट स्पीडिंग करता हुआ ओवर स्पीडिंग करना अच्छी बात नहीं है। हाँ मेरे दिमाग में अभी पक्का बैठ चुका है भाई, 390 ले लूँ ये सेल करके। इसे बहुत कॉस्टिंग है यार, जो बोलता है ना R15 बहुत कम मेंटेनेंस देते, ऐसा नहीं है, ये मिथ है तुम्हारे दिमाग में। अभी अपने चैनल पर आप जाके चेक कर सकते हो कि कितना सब कुछ डिटेल वीडियो है भाई, पूरा यामा के जो
खुद यमा को नहीं पता होगा उतने मैंने वीडियोस बना दिया है, तो आप जाके ज़रूर चेक करना, सब कुछ पता है। सो ये जो भी आपके दिमाग में है कि भाई लो मेंटेनेंस वगैरह, ऐसा नहीं है, मेंटेनेंस हमेशा हाई होगा। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं है, बट सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस जो है वो R15 को, और 155 सीसी को इतना मेंटेनेंस बोले तो भाई इतने इसमें 2 390s का मेंटेनेंस निकल जाता है, तो आप समझ सकते हो। नहीं, फिर से विदाउट क्लच, हाँ क्लच के साथ भाई जाती है, मतलब अच्छी खासी, प्रैक्टिस नहीं है ना अब तक इसलिए, वरना बहुत दूर दूर तक जाएगी। और कुछ मंथ्स यार, आई थिंक सो जनवरी तक ये सही से समझ जाएगा, मतलब कैसा हाथ बैठता है कैसे नहीं, सो उस हिसाब से करेगा। और इधर का माहौल देखा, ठंडा है और अच्छा लगता है भाई साहब। वेलकम टू महाराष्ट्र, ये चेक करो, खेती ही खेती है भाई इधर, पंजाब जैसा थोड़ा सा फील हो रहा है मुझे। और सामने का पहाड़ चेक कर सकते हो, बहुत सारे वाटरफॉल्स थे जब रेनी सीजन था, अपन ने इधर कवर किया है, तो मेरे प्रीवियस व्लॉग जाके ज़रूर देखना आप, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इधर की, मतलब क्या बोलूँ यार, इतने सारे वाटरफॉल्स हैं ना, अब गिन भी नहीं सकते, उसमें का बस मैंने एक ही कवर किया था पूरे सीज़न में। सो अब जाके ज़रूर चेक करना, अभी भी हम उधर ही जा रहे हैं वो वाटरफॉल पे, कि ऑफ सीज़न में कैसे दिखता है, क्या मस्त तालाब है ना। सो पब्लिक प्लान थोड़ा सा ख़राब हुआ, वाटरफॉल वो साइड में है, वैसे तो हिडन ही है वो, किसी को ज़्यादा पता नहीं है, बट ये चेक कर सकते हो कि यार अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अपन जा नहीं सकते, तो हमने सोचा है कि नीचे जाएगी इधर थोड़ा सा तालाब साइड में, उधर देखेगी कैसा माहौल है, अगर उधर से कोई रोड मिल जाए तो चले जाएंगे, अगर नहीं मिला तो भाई मोए मोए। सो गाइस वो रहा उधर वाटरफॉल जो कि पूरा सूख गया, वैसे तो सूखेगा ही, हम कौन से ऐसा नमूने है जो कि ठंडी में, यार क्या बोले, अभी शब्द नहीं है मेरे पास, बट इधर का वाटर चेक करो, ये जो भी वाटर इधर मतलब यह हुआ है, स्टोर हुआ है, वो पूरा वो वाटरफॉल के थ्रू आया है, मतलब दो वाटरफॉल है, एक वो दो, तो इतना ठंडा पानी है, वो तीन है, हाँ उधर भी एक है, सो इतना ठंडा पानी है, सोच सकते हो यार। और साला कौन सा दोगला इंसान जा रहा है रे ऊपर से, समझा पॉलिटिशियंस। तुमको अगर ऐसा लगता है कि हम ट्रैवलिंग्स वगैरह करते हैं तो ये आसान होता है, या तो हम मोटो व्लॉगिंग करते हैं, बट नहीं, देखो इधर व्लॉग वगैरह एडिटिंग चल रही है। और ये रही 390, हमने इधर फोटो शूट किया, और इसके फ्लैशर्स देखो, अरे हाय क्या गजब लगता है। तो लेट्स गो, इधर से निकलते हैं, अभी घर पे जाते हैं, जाते हुए भोकाल करता है। रोड काफ़ी ख़राब है यार, इसीलिए KTM हो या मतलब ड्यूक, अरे इसकी है, चलो भाई बहुत ख़राब रोड था इधर के, बट मज़ा आया यार, थोड़ा सा फ्री टाइम मिला हमें। इधर वाटरफॉल वगैरह बहुत कुछ है, इधर आके विज़िट कर सकते हो, ये एरिया पड़ता है उतूर में, सो विजिट। तो लेट्स गो, फिर सब वोकल राइड स्टार्ट होगी, वाइजर लगा दो यार। सो जो इधर की विलेज की इवनिंग होती है वो इतनी खूबसूरत होती है, सिटी वालों को क्या ही पता होगा कि भाई इवनिंग्स कैसी होते हैं विलेज में, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो तो प्राउड ब्रो, क्योंकि सबको नसीब में नहीं होता है, और सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है, भले ही उनके पास सिटीज़, मतलब सिटी में है तो आपको पैसा तो होगा ही बहुत सारा, बट उनके पास ये नहीं है भाई जो अपने पास है नेचर। और इधर फार्मिंग वगैरह देखो क्या तगड़ी करते हैं भाई, और आई थिंक सो ये अंकल पानी दे रहे हैं अपने खेत को। सो लेट्स गो ड्यूड, अभी चलते हैं घर पे, कि शाम होने पे, और अपन ने सनसेट नहीं, क्या बोले यार, चांस मिस कर दिया अपन ने, जल्दी जाना यार, हम घर से काफ़ी दूर है, लगभग 40 किलोमीटर तो दूर है ही हम। सो दिमाग में एक ही है कि भाई जल्दी से जल्द घर पे जाना है, प्लस उसमें व्लॉग वगैरह एडिट करना होता है। डेली मोटो व्लॉगिंग में बहुत तकलीफ़ होती है यार, सच बोलूँ तो, अगर आपको ऐसा लगता है कि शूट करना आसान है और एडिट करना, वैसा नहीं भाई, मैं सच बोलूँ हमको जितना शूट में टाइम जाता है उससे 10 गुना ज़्यादा हमें एडिटिंग में जाता है, ये कोई बोलेगा नहीं, अपन ने बोल डाला भाई, एडिटिंग में ज़्यादा टाइम जाता है, ऐसा नहीं है मेरे को एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, आती है भाई अच्छी खासी, बट स्टिल प्रॉब्लम तो होता ही है ना भाई,
सॉफ्टवेयर, फिर क्रप्ट हो जाता है, कभी कभार टाइम लगता है, ब्लर मोशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये रोड पर लगा नहीं तो भाई इसका चालू हो जाता है। ये बढ़िया सनसेट है यार, ऊपर वाला हमेशा अपने को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही देता है। हमने सोचा था कि यार पहाड़ पे आके हम सनसेट देखेंगे, बट नहीं भाई, अपन अपने बाइक्स पे है और सनसेट देख रहे हैं। इतना मज़ा आता है, और ये बच्चों का रिएक्शन देखो। हे हे, बाय। सो पब्लिक, आजकल वाकई तरीका दम करता है, अपने चैनल पे चल रहा है 100 ड्रेस 100 व्लॉग्स, 100 ड्रेस क्या होता है, 100 डेज 100 व्लॉग्स, जाके ज़रूर चेक करना। और आजकल वाकई दरी ख़त्म होता है, आपके स्क्रीन पे आ रहे 2-3 व्लॉग, 2 ही आते होंगे शायद से, सो वो जाके ज़रूर चेकआउट करना।